क्या कर रहे हो आप? आपने इतना प्यारा मैंगो केक बनाया तो उसको डेकोरेट कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरोजी ब्लॉग। आई होप ऑल आर डूइंग गुड, आई एम आल्सो गुड। टुडे इज फादर्स डे, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। ठीक है, तो आज फादर्स डे है, इसीलिए इसी खुशी में हमारे घर में ना ये सबके फेवरेट होता है ना, तो एक केक बनने वाला है, मैंगो केक बनेगा। समर में तो हमारे मैंगो बहुत मिलते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी मैंगो केक आज फादर्स डे पे। आई होप अच्छा बनेगा, पापा के लिए बना रही हूँ तो अच्छे से बनेगा, तो ऑब्वियसली अच्छा बनेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते मैंगो केक बनाते। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सबसे हमको ये मैंगो चाहिए। मैंगो एक बात का ध्यान रखो कि मैंगो ना मीठा होना चाहिए। मैंगो चाहिए, मैं इस टाइप का रफली चॉप करके रखी हूँ। ये शुगर चाहिए, अरे थोड़ा सा ऑयल, ये तीनों को मिक्स करके हम सबसे पहले ना ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंगो ये रफली चॉप करके रखी हूँ। ये शुगर है, ये मेजरमेंट के हिसाब से मैं ले रही हूँ। ये थोड़ा सा बचा के रखी हूँ क्योंकि मैंगो बहुत स्वीट है इसीलिए। और ये है इसमें ऑयल, इसको अच्छे से सबसे पहले ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया है। ये मैदा है, इसमें 2 कप लेंगे। इसको हम अच्छे से पूरा छान लेंगे। अभी इसको मिक्स करेंगे। मैं उसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डालूंगी, मैं उसमें इनो यूज करूंगी। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर यूज कर सकते हो। एक ही डायरेक्शन में उसको हम मिक्स करेंगे। अब उसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे। और थोड़ा सा डाल देंगे। जब भी आप केक बनाओगे आपका मेजरमेंट सही होना चाहिए। जब मेजरमेंट सही होगा ना तो केक आपका अच्छे से फूलेगा और स्पंजी भी बनेगा, मॉइस्ट भी रहेगा। ये कंडेंस मिल्क है, ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कुछ चलेगा, कोई बात नहीं है। ये वनीला एसेंस है, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इसको ऐड करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं चाहो तो मत डालिए। सारे चीज हमारा हो गया, अभी अच्छे से एक ही डायरेक्शन में उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको 10-15 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे। जब केक बनाएंगे तभी हम इनों को ऐड करेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है, इसको 10-15 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे, तभी इसको हम ग्रीस कर लेंगे। आपके पास बटर पेपर है उसमें भी बना सकते हो, बट मेरे पास नहीं है। मैं सबसे पहले ऑयल ग्रीस कर लूंगी।
ये मैदा है, उसको चारों ओर फैला लेंगे इस टाइप का। ये जो मैदा है ये पूरा बटर पेपर की तरह काम करता है। ये केक हम कढ़ाई में बनाएंगे। सबसे पहले ये कढ़ाई, इस टाइप का कोई भी कढ़ाई है आपके पास ले लोगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक इसलिए हम लोग ऐड करते हैं क्योंकि हमारा बर्तन ना जले, और इसमें कोई रीजन नहीं है। आपके पास इस टाइप का कोई भी स्टैंड हो या प्लेट हो, कुछ भी हो चलेगा। इसको इस टाइप का सेट करके गैस के ऊपर रख लेंगे। बैटर हमारा रेडी है, इसको रखते हैं। 10 मिनट्स हो गया है, अभी इसमें ना इनो ऐड करेंगे। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे उसमें। पूरा रेडी है बैटर। ये जो केक टिन, इसको मैं ग्रीस करके ऑलरेडी रखी हूँ, अभी इसमें ऐड कर देंगे। कर रही हूँ, कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि पसंद नहीं है मेरी फैमिली को। मैं इस, आप चाहो तो इसको डेकोरेट कर सकते हो। अच्छी से इसमें डैप कर लेंगे, थोड़ा सा सेट हो जाए। और इसमें थोड़ा सा सूजी ऐड करेंगे अच्छे से क्रिस्पीनेस के लिए। आपके पास राइस फ्लावर है तो आप डाल सकते हो। पहले पानी ऐड नहीं करेंगे, अच्छे से उसको मिक्स करेंगे, देन पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसका जो बैटर है ना, ज़्यादा पानी नहीं रहेगा, गाढ़ा भी नहीं रहेगा। पकौड़ा बनाने का कोई प्लान नहीं था तो मैं केक बना रही थी। अभी ना हमारे यहाँ बारिश हो रहा है तो सोची थोड़ा सा पकौड़ा बना लिया जाए। अच्छा, मिस्टर उधर से बोल रहा, मेरा फेवरेट है कांदा पकौड़ा, कांदा। थोड़ा सा बेसन इसमें और ऐड करेंगे, थोड़ा सा कम हो गया है। अभी टेस्ट के अनुसार सॉल्ट। अभी ऑयल गर्म हो गया है, अभी ऐड करेंगे इस टाइप का। इधर ये पकौड़ा बन रहा है, ये साइड में जो कढ़ाई रखे ना उसमें मैं केक रखी हूँ। केक जब रखी हूँ ना, मेरे कैमरा ना ऑफ हो गया था तो दिखा नहीं पाई। केक कढ़ाई में रखे ना 40 मिनट्स तक उसको पकने दोगे। अगर केक नहीं पका तो 45 मिनट्स लग सकता है, बीच में एक बार चेक कर लोगे, ठीक है। पापा अभी गेम खेल रहे हैं। मम्मी क्या करती है, चलो देखते हैं। फादर्स डे के लिए स्पेशल पकौड़ा, वाला ओनियन पकौड़ा लीजिए, गर्मा गर्म खा लीजिए। अभी 40 मिनट्स हो गया है, अभी 40 मिनट्स हो गया, अभी ओपन करके देखेंगे हमारा केक। थोड़ा सा नाइफ से चेक करेंगे, ये पूरा क्लियर, ये केक पूरा रेडी है। देखिए पूरा क्लीन है ना, बढ़िया बनाया ना पूरा, पूरा सॉफ्ट बनाया है। यहीं से देखिए मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है। केक हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है, अभी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
आप चाहो तो इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे कट कर सकते हो। ओके, तो अभी उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, बाद में उसको डीमोल्ड करेंगे। यहाँ पर मैं काले चने की सब्जी बना रही हूँ। सबसे पहले तड़का लगाएंगे, इसके बाद ओनियन ऐड करेंगे, हाई होने देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद ये टमाटो, ग्रीन चिली और अदरक इसको ग्राइंड करी हूँ, और थोड़ा सा जीरा मिला के उसको ग्राइंड करी हूँ, इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा ये काला चना है, इसको आज बना दे। अभी ओनियन हमारा हो गया है, अभी ये पेस्ट ऐड कर देंगे। कभी इस टाइप का काले चने को बनाओ ना, बहुत अच्छा लगेगा। पराठा, पूड़ी इसके साथ भी आप खा सकते हो। अभी उसमें हल्दी पाउडर, ग्रीन चिली हम पेस्ट किए हैं, थोड़ा सा कलर के लिए ये रेड चिली ऐड करेंगे, और धनिया पाउडर, सारे चीज को अच्छे से मिक्स करके उसको अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब सबकी बनाना अलग अलग तरीका होता है, मैं भी अलग तरीके से बनाती हूँ, बट आज इस टाइप का बना रही है, बहुत टेस्टी लगता है। अब ये चना को ऐड कर देंगे। आप चाहो तो उसको सूखा चना बना सकते हो, चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपको पसंद है। हो गया है, इसको कवर करके छोड़ देंगे 2 सेकंड के लिए, बस हमारा सब्जी रेडी। देखिए गाइस, ये कितना सॉफ्ट बना है, देख सकते हैं कितना आराम से पूरा निकल गया है। सच बताना गाइस, हम लोग का जमाना में ना ये फादर्स डे क्या होता है, मतलब हम एक ही जानते थे, गुरु दिवस जो टीचर्स डे होता है उसी को बस जानते थे, टीचर का पूजा करना है। आजकल तो मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, सब डे हो गया आजकल मॉडर्न जमाने के ना, मॉडर्न बच्चे, इसलिए कुछ भी होता ना थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए, जमाने के हिसाब से ना चलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम छोटा मोटा केक बनाई है, इस मैंगो केक पहली बार बना, बट मस्त हुआ है। ठीक है, ठीक है, हाय बोलो, हाय हाय पापा, हाँ मस्त है। देखिए गाइस, ये जो मैंगो केक कितना सुंदर बना है, देख सकते हो। ये रहा चना की सब्जी, पूड़ी, अरे पकोड़ा, प्याज की पकोड़ा, अरे केक। आज है डिनर, फादर्स डे स्पेशल डिनर, और पापा को देखते पापा क्या करते। हेलो पापा, समय आपकी पापा, पापा कहाँ हैं पापा? अभी केक कटिंग होगा, पापा अभी फोटो खींच रहे अपना स्टेटस में रखने के लिए, उनकी बेटी केक बनाई है। तो क्या बोलना चाहते हो? हेलो मिस, क्या बोलना? सब रेडी है केक कटिंग करने के लिए। Hey, little. Wow.
Happy Father's Day to you. Bolo. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day. No. Ei, bolo, bolo, kan? ये आप लोग के लिए खा लीजिए यहीं से। हेलो एवरीवन, डिनर एकदम मस्त था गाइस। देखिए दोनों पापा और डॉटर्स क्या कर रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहोगे आज फादर्स डे में? बोलना चाहोगे? चलो उनसे बात करते हैं, ठीक है? तो बोलिए, आज है इंटरनेशनल योगा डे और फादर्स डे मेन डे है हमारे लाइफ में। फादर्स डे मेरे लिए बहुत स्पेशल है और पापा भी। योगा डे हेल्थ के लिए है और फादर्स डे फादर के लिए। अच्छा लगा कि दोनों डे एक ही साथ है, एक योगा डे है और फादर्स डे है। मैं भी मेरे पापा से बात किया, अच्छा लगा बात करके। और ये मेरी बेटी, दोनों बेटी मेरे साथ रहे दिन भर। आज योगा डे सबके लिए स्पेशल होता है क्योंकि आजकल के ज़माने में योगा जरूरी है। सुबह उठ के हमको 10-20 मिनट कम से कम योगा करना चाहिए गुड हेल्थ के लिए, और खास करके इस कोरोना जो महामारी चल रहा है उसके लिए भी खास करके योगा जरूरी है। हमको कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम जरूरी है। हम आज से प्रमिस करेंगे डेली सुबह 10-20 मिनट योगा करने के लिए, और मैं भी कल से करूंगा पक्का। आज भी मुझे प्रमिस करिए, करोगे कि कैमरा? हाँ, बस कैमरे के सामने प्रमिस किए मतलब वो करना पड़ेगा, ठीक है? सबको, आप लोग भी योगा करना डेली सुबह उठ के 10-20 मिनट कम से कम योगा करना। सुबह कितना भी लेट में उठो ना, 10 मिनट योगा जरूरी है। तो बाकी हम लोग अच्छा से मनाया फादर्स डे। मिसेस ने बहुत मैंगो केक बनाई थी, मजा आ गया, और भजिया भी मस्त लगा, पूड़ी में बनाया था और चने की सब्जी था। हम लोग खूब मस्ती किए, काफ़ी टाइम बैठ कर तो आराम से आधा घंटा तक खाया हम लोग। और हम चाहते हैं कि हमेशा ऐसे रहे हमारी जो प्यारी फैमिली। अच्छा बाबू, अच्छा पापा है कि बहुत स्पेशल है मेरे लाइफ में, यही मेरे फर्स्ट फ्रेंड है। तो आई विश गॉड गिव्स हिम बेटर लाइफ, बेटर वेल्थ। ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा फादर्स डे ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में हमारे चैनल को शेयर करिए, सबके साथ शेयर करिए, और हाँ सब्सक्राइब भी करिए। बाय।